ओके तो अपन आगे जाते हैं, अभी डेटर्स देखने थे यार। मैंने कल बोला था कि अपने को डेटर्स और क्रिएटर्स देखने हैं, ठीक है, वो अभी अपन देखते हैं। डेटर्स और क्रिएटर्स कौन होते हैं, ठीक है, डेटर्स और क्रिएटर्स। तुम्हारा कोई अगर कस्टमर है, ठीक है, जैसे अभी मैं क्लासेस का ही फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्लासेस में एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, लेट से 11 की टोटल सारे सब्जेक्ट की फी मिला के 35,000 है। वो स्टूडेंट बोला, सर मैं आपको 2 महीने बाद पूरा पैसा दे दूंगा, 2 मंथ्स आफ्टर ही पे द होल मनी। अभी अगर मैंने बोला ना भाई मेरे को तो नहीं इंटरेस्ट कुछ, तो मेरे को कैश भर रहा है तो ही, वरना फिर निकल जाता हूँ। अगर ऐसे मैंने बोला मेरा ही बिजनेस कल कम हो जाएगा, सो आई हैव टू अलाउ हिम सम अमाउंट, सम टाइम टू गिव दैट अमाउंट, बराबर, थोड़ा सा मेरे को उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम मतलब ये क्या, अभी वो क्लास में तो आ जाएगा, वो लेक्चर सारे अटेंड करेगा, बट इज ही पेइंग राइट नाउ, नो ही विल पे आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये क्या हुआ, उसने उधारी क्रेडिट पे मेरे से वो सर्विसेज ले रहा है ना, मतलब आज वो कुछ पैसा दे रहा है क्या, नहीं, पर मेरे को पैसा मिलने वाला है क्या, ऑब्वियसली यस। मेरे को पैसा कब मिलेगा, 2 महीनों के अंदर, मतलब भले वो आज स्टूडेंट आके बैठा है, बट ऐसा है क्या कि मेरे को उसका कुछ भी फायदा नहीं, 2 महीने बाद मेरे को पूरा फीस आ जाएगा। इसको ये क्या बोलते हैं, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या, उधारी का सेल, उधारी का सेल मतलब तुमने कोई चीज बेचा है, इधर सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स, तुमने कोई वस्तु बेची, जैसे किराने का रहता है, देखो अपन किराना ले लेते हैं और 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं उसको, अगर तुमको मालूम नहीं होगा घर पे मम्मी को पूछो, इमीजिएटली पेमेंट कोई भी किराने वाले को नहीं मिलता। तुम पूरा आज सामान लेके जाते हो और जैसे जो भी मंथ में पूरा करते हो, अगले महीने के 7 या 10 तारीख तक तुम उसको पेमेंट दे देते हो। ये क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, ये उधारी पे हुआ है। तो जो कस्टमर ने अपने से कुछ चीजें ली है या कुछ सर्विसेज ली और उसने अब तक पूरा पैसा दिया नहीं है अपने को, तो वो अपना कौन हो गया, डेटर। मतलब डेटर कौन, अपने को जिससे पैसा लेना है, अपने को रिसीवेबल है पैसा, अपने को पैसा लेना है उससे, बराबर ना, रिसीवेबल मतलब पैसा उससे लेना है। लेट से एक्स नाम का डेटर है, एक्स नाम की पर्सन को ए को पैसा देना है, तो एक्स कौन हो गया, डेटर हो गया, बराबर ना। अपन को ने ए, फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस है ए नाम से और अपने को पैसा लेना है एक्स नाम से, तो ए को मतलब ए को पैसा रिसीवेबल है और एक्स को पैसा देना है, बात तो एक ही है ना। अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, ओज मतलब पैसा देना लगता है, बराबर, ओज मतलब हु ओज, देना है उसको, बराबर। जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज डेटर। क्रेडिट सेल मतलब ही क्या, मैंने बोला उधारी का सेल, कि पूरा पैसा अब तक दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन पेज द प्राइस इन फ्यूचर। वो आज पैसा दे रहा है क्या, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद में भी वो पैसा देगा। क्यों ऐसे, स्पेशली आज कोरोना का टाइम्स देखो, कोरोना के ये अभी अनसर्टन माहौल में, अभी तो इवन मर्सिडीज जैसे कार मेकर्स, अभी मर्सिडीज को तो कुछ लेना देना नहीं, स्टेबल है वो। 3 मंथ्स ईएमआई डेफर का उन्होंने ऑप्शन कर दिया, मतलब आज अगर मैंने गाड़ी लिया, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, आज अगर 1 जून है, अगर मैंने 1 जून को गाड़ी लिया तो 3 महीने मतलब जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीनों का मेरे को ईएमआई इमीडिएटली नहीं पे करना है। मैं ईएमआई कब से पे करूंगा, सितंबर से। ऐसा नहीं कि वो ईएमआई पे ही नहीं करना है, मतलब ईएमआई आज नहीं चालू होगा, 3 महीने बाद चालू होगा। तो ऐसे हर एक को स्कीम लाने ही पड़ रहे ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आज इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है। ही इज कॉल्ड एज डेटर बिकॉज ही ओज द अमाउंट टू द फर्म, बराबर, उसको पैसा देना है, डेटर को पैसा देना है, किसको पैसा देना है, फर्म को। तो अपन ने अगर ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, डेटर को पैसा देना है किसको, फर्म को, तो फर्म को पैसा लेना है, फर्म को पैसा लेना है, ठीक है, डेटर पैसा देगा फर्म को और वही फर्म को पैसा लेना है, सिंपल। रिसीवेबल मतलब डेटर छोड़ के और किसी से भी पैसा लेना है, वो क्या हुआ तुम्हारा रिसीवेबल। रिसीवेबल कौन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले पढ़ लेता हूँ, द टर्म रिसीवेबल इज यूज फॉर द अमाउंट दैट इज रिकवरेबल बाय द फर्म अदर देन अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स छोड़ के अगर तुमको किसी से भी पैसा लेना है, वो क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे को रेंट लेना है, ठीक है, मैंने क्लासरूम एक रेंट पे दे दिया, अगर कॉलेज रोड का जो क्लासरूम है वो मैंने रेंट पे दे दिया, ठीक है, अभी मेरे को रेंट रिसीव करना है, तो वो मेरा कस्टमर हुआ क्या, नहीं, बट मेरे को पैसा तो उससे लेना है, तो वो क्या हुआ, रिसीवेबल हो गया मेरा। मतलब जिनसे पैसा लेना है, डेटर छोड़ के जिनसे पैसा लेना है, वो कौन हो गया, रिसीवेबल। जैसे बैंक से मेरे को, अगर मैंने एफडी किया है बैंक में, मेरे को बैंक से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो इवन इंटरेस्ट ही मेरा क्या हुआ, रिसीवेबल, मतलब पैसा अपने पास आने वाला है। अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्रेडिटर, और रिसीवेबल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है पेएबल, देखते हैं अपन। क्रेडिटर अ पर्सन टू हुम फर्म ओज मनी, मतलब बिजनेस को पैसा देना है,
यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा था ना, अभी फर्म पैसा देगा किसको पैसा देगा, क्रेडिटर्स को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है किराने वाले का ही अभी एग्जाम्पल लेते हैं, किराने वाले का, वो तुमको एक महीने की उधारी दे रहा है, बट जो वो गुड्स, वो खुद जो गुड्स खरीदता है वो थोड़ी पूरा कैश में खरीदेंगे, वो भी तो उधारी पे रहेंगे ना। ऐसा है क्या कि पूरा सारा गुड्स वो कैश में खरीदेंगे? ऐसे हार्डली कोई पर्सन है, ठीक है। तो लेट से जो अभी मतलब अपन तो डायरेक्ट रिटेल में लेते, पर ये किराना वाला होलसेलर रहता है, लेट से उसने प्रॉक्टर एंड गैम्बल या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनसे जो गुड्स आते हैं इसको 2 महीने की उधारी मिलती है, मतलब जिस दिन सेल हो गया उसके 2 महीने के अंदर पेमेंट करना है। बट इसको पेमेंट तो करना नहीं, इसने क्या किया, ये गुड्स खरीदे और ये गुड्स अपने को बेचे, इधर परचेस किया इधर सेल्स किया, तो ये क्रेडिटर्स ही कौन रहते, उधारी के परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस, अपन ने जिससे परचेस किया है उधारी पे, क्रेडिट परचेसेस रहते हैं। मतलब तुमने कोई चीज खरीदी किया बट अब तक सामने वाले को पैसा दिया नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लासेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जेरोक्स का बिल, ये क्या है, मतलब मैंने नोट्स प्रिंट किए या फिर तुम्हारे रजिस्टर्स प्रिंट किए और अब तक वो जो प्रिंटर है या फिर वो जेरोक्स वाला है उसको पैसा देना बाकी अब तक, तो मेरे को पैसा देना है, रादर मेरे को पैसा लेना नहीं है, मेरे को पैसा देना है, आई हैव टू पे। सो इफ आई एम सपोज टू पे टू एनीवन, मैं मतलब मेरे लिए वो कौन हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा। तो अभी इसका रिलेशन वो अपन ठीक है देखेंगे, पहले क्रेडिटर्स पढ़ लेते हैं। अ पर्सन टू होम फर्म वॉज मनी, बिजनेस को पैसा देना है क्रेडिटर को, देखते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर एम इज क्रेडिटर ऑफ द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। लेट से तुम्हारा जो बिजनेस है तुमने एम से गुड्स खरीदे उधारी पे, एम को क्या बोला, 2 महीने बाद हम लोग पैसे दे देंगे भाई तेरे को, तो 2 महीने का जो पीरियड मांगा, तो इसलिए तुमने क्या किया, उधारी के परचेसेस कर लिए, तो तुम्हारा बिजनेस क्या हुआ, उधारी के जो ये परचेसेस हुए तुमको अभी बाद में 2 महीने बाद पैसा देना है ना उसको, तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर। नेक्स्ट देखते हैं पेबल्स। पेबल्स मतलब अपने को जिनको पैसा देना है, किसको छोड़ के, क्रेडिटर्स छोड़ के। द टर्म पेबल इज यूज फॉर द अमाउंट पेबल बाय द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर छोड़ के अपने को किसको भी अगर पैसा देना पड़ रहा है तो फिर वो क्या हो गया, पेबल हो गया। तो रिसीवेबल पेबल एग्जैक्टली ऑपोजिट चलता है। पेबल जैसे मेरे को क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भरने, लेट से मैंने ये लैपटॉप एसी इन्वर्टर सारा क्रेडिट कार्ड पे लिया है, भरना तो पड़ेगा, ठीक है। ये परचेसेस नहीं हुए मेरे क्योंकि मैंने गुड्स परचेस नहीं किए, मैंने असेट्स परचेस की। इफ यू रिमेम्बर असेट्स आर प्रॉपर्टी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो अगर मैंने कोई गुड्स परचेस ना करते मैंने क्या परचेस किया, असेट्स, पर उधारी तो है तो वो क्या हुआ, पेबल, पैसा देना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि सारों का रिलेशन एकदम सिंपल हो जाए, ठीक है। मैंने अगर इफ आई टेक द क्या बोलते हैं इन्वर्टर ले लिया, मैंने HDFC बैंक से मैंने इन्वर्टर ले लिया, ठीक है। अभी मेरे को पे करना पड़ेगा तो मेरे लिए ये क्या हुआ, पेबल, क्योंकि मेरे को पैसा देना है, पर HDFC बैंक को तो क्या है, ये तो मेरे को मेरे से पैसा लेना है, तो उनके लिए क्या होगा, रिसीवेबल, समझा क्या। अगर मेरे लिए वो चीज़ पेबल है तो सामने वाले के लिए क्या है, रिसीवेबल है, ठीक है। जैसे शादी में होता है एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई गे पर्सन नहीं है, ठीक है, हस्बैंड और एक वाइफ, तो अभी ये वाइफ के लिए हस्बैंड ही रहेंगे और हस्बैंड के लिए ये वाइफ रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल मैरिज है, 2 मिनट के लिए मान, तो एक के लिए हस्बैंड दूसरे के लिए वाइफ, तो ये जैसा रिलेशन है ये रिश्ता ऐसा कहलाता है, तो इनका रिश्ता कैसा कहलाया जाएगा, एक के लिए रिसीवेबल मतलब दूसरे के लिए पेबल, एक को अगर पैसा देना है दूसरे को पैसा लेना है, राइट। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अगर एक BMW खरीद लिया, ठीक है, अभी मेरे को BMW वालों को पैसा देना है तो ये क्या हुआ, पेएबल हो गया, और BMW वालों को मेरे से पैसा लेना है, ये रिसीवेबल हो गया। सेम अभी तुम्हारा एक एग्जांपल देते हैं, अगर ठीक है मैंने लेट से तुमको कुछ, अभी अपना जो फीस का ही बात था वही एग्जांपल लेते हैं जी, तो फीस का, ठीक है, लेट से एक्स नाम का एक स्टूडेंट है, मेरे को उससे पैसा लेना है बराबर ना, मेरे को उससे पैसा लेना है, तो वो मेरा कौन हो गया, डेटर, बिकॉज मेरे को उससे पैसा लेना है, वही उसको मेरे को पैसा देना है, तो उसके लिए मैं कौन हो गया, क्रेडिटर, याद है क्या, क्रेडिटर मतलब उसको मेरे को पैसा देना है और डेटर मतलब मेरे को उससे पैसा लेना है, तो अगर मेरे लिए वो डेटर है उसके लिए मैं कौन हूँ, क्रेडिटर, ऑपोजिट चलता है रिलेशन, ठीक है। तो एक के लिए डेटर दूसरे के लिए क्रेडिटर, और इसको डेप्टर्स मत बोलो, इसका स्पेलिंग क्या, देखो डेटर्स का, ठीक है, इसको डेप्टर्स मत बोलो, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, टी साइलेंट है,
ठीक है, सॉरी बी साइलेंट है, डेटर्स बोलने का इसको। डेटर्स मतलब क्या, अपने को पैसा देना है। डेट डेट मतलब ही क्या, उधार। आपने अपन ने किसी को तो भी उधार दिया, ठीक है। और क्रेडिट मतलब अपन ने कोई चीज उधार दी। डेट मतलब मतलब अपने से किसी से पैसे लेना है, और क्रेडिट मतलब अपने को किसी को पैसा देना। ये याद रखो, क्योंकि इसमें ही स्टूडेंट्स का मेजोरिटी कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट जाते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने क्लासेस में फर्स्ट ईयर डाले थे 2 लाख रुपीज, ठीक है। स्टूडेंट्स की फीस आई है, वो आया। पहले साल में प्रॉफिट हुआ, लेट से मेरे को 6 लाख रुपीज। तो मेरे जो 2 लाख डाले प्लस 6 लाख, तो मेरा प्रॉफिट मतलब टोटल अभी मेरा बिजनेस में पैसा कितना अटका, 8 लाख रुपीज। लेट से मेरे को अभी एक डुकाटी बाइक लेनी, ठीक है, सेकेंड हैंड डुकाटी बाइक लेनी 6 लाख, सेकेंड हैंड 6 लाख की डुकाटी बाइक लेनी। तो अभी 6 लाख में कहाँ से लूंगा, जो मैंने कमाया था, जितना मैंने कमाया। मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे को चाहिए वो पैसा, तो मैं बिजनेस में से निकाल रहा हूँ। मैंने बिजनेस में 2 लाख डाले, 6 लाख मेरे को फीस आई, और मैं वापिस 6 लाख निकाल रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, ड्रॉइंग्स। जैसे कैपिटल क्या रहता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो ड्रॉइंग्स क्या रहता है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, अमाउंट टेकन फ्रॉम द बिजनेस। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स विच प्रोपराइटर, प्रोपराइटर याद है, ओनर, ओनर टेक्स फ्रॉम हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। अभी डुकाटी और मेरे क्लासेस का कुछ संबंध है क्या, थोड़ी स्टूडेंट्स हो मेरे डुकाटी पे घूमने वाले। ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हुआ, ये मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं हुई, क्योंकि ये पर्सनल असेट हुआ, क्योंकि डुकाटी और बिजनेस का क्या संबंध है। तो अगर मैं खुद के लिए ये पैसा निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर दिस इज फॉर माई प्राइवेट पर्पज, बराबर, प्राइवेट पर्पज के लिए तुम जब पैसा निकालते हो, या घर के पर्पज के लिए, लेट से अभी मेरे को घर रेनोवेट करना है मेरा, तो अगर ऐसे प्राइवेट पर्पज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए तुमने ये कुछ भी पैसा निकाला, तो वो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स। तुम जब बिजनेस में पैसा डालते हो तो वो कैपिटल, और जब तुम बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज, ये क्या हुआ, ड्रॉइंग्स, ठीक है। डोमेस्टिक और पर्सनल यूज एक ही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये क्या, तुम्हारा सेल्स। जैसे क्लासेस में जितने स्टूडेंट्स आएंगे, जितने वो कोर्सेज बाय करेंगे, जितने के लिए वो फीस भरेंगे, दैट इज व्हाट फीस ही मेरी क्या है, रेवेन्यू। इट मींस अमाउंट व्हिच एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस इज एडेड टू द कैपिटल। ये कैपिटल में बढ़ते जाता है, बराबर। रेवेन्यू इज एन इनफ्लो ऑफ असेट्स, पैसा आएगा ना, जैसे मेरे सेल्स बढ़ेंगे पैसा तो आएंगे, विच रिजल्ट इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। एग्जाम्पल देखो, सेल ऑफ गुड्स, रेंट इनकम, और यही फीस से तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा ना। देखो क्या होगा, मेरे को फीस आएंगी, लेट से 10 लाख फीस आई, लेट से उसमें से मेरे खर्चे थे 4 लाख रुपए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो जो भी है, 6 लाख मेरा क्या होगा, फिर प्रॉफिट हो, बराबर। तो ये फीस, ये 6 लाख एट द एंड किधर जाएंगे, ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे ना, राइट, ठीक है। तो फिर रेवेन्यू मतलब ये क्या रहता है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तुम्हारा जो डे टू डे बिजनेस है, तुम उससे जो पैसा कमाते हैं, नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, बट जो तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स रहता है या रेंट इनकम रहता है, कोई भी टाइप का इनकम, तुम्हारा क्या होगा, रेवेन्यू। एक्सपेंस मतलब खर्चा। इट इज द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। अभी मेरे लिए एक्सपेंस क्या होगा, लाइट बिल, पेट्रोल, ठीक है, जो फर्नीचर वगैरह का जो खर्चा आएगा, फिर मेरे को टीवी और ये सब जो सेटअप करने के लिए कॉस्ट आएंगे, या फिर अगर किराने वाला है तो किराने वाले के लिए क्या क्या खर्चा होगा, जो गुड्स बाय कर रहे हैं, बराबर। एक्सपेंसिस इज कॉस्ट, सैलरीज जो मैं टीचर्स को दूंगा, अगर जो रेंट है मेरा क्लासेस, क्लासरूम का, वो मेरे को पे करना है, वो सारा एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस इज द कॉस्ट एंड यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। क्योंकि अगर मेरा क्लास ही नहीं, मैंने रेंट ही नहीं भरा क्लास का, कोई अगर मेरा लैंडलॉर्ड होगा, वो मेरे को अलाउ करेगा क्या क्लासेस लेने के लिए, नहीं। मैंने अगर टीचर की सैलरी नहीं दी तो आएंगे क्या, जो साफ सफाई, झाड़ू कटका करने जो लोग आते हैं, मैंने उनको अगर पगार ही नहीं दिया उनका, वो आएंगे क्या साफ सफाई करने। पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, रेंट, एक्सेट्रा। इनकम, इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम क्या रहता है, जो तुमने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज इनकम। इनकम मतलब जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या था फिर, देखो मतलब ये सेल्स बोल सकते हो इसको, या रेवेन्यू बोलो। रेवेन्यू में से तुम क्या माइनस करोगे, खर्चे, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या बचेगा, इनकम, या अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, वरना लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और सीओजीएस जो टर्म्स है, वो अपन थोड़ा सेकेंड चैप्टर होने के बाद देखेंगे, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, तुमको अभी समझ गया होगा थोड़ा सा, प्रॉफिट मतलब क्या, 10 लाख अगर मेरे फीस है, उसमें से मैंने 4 लाख खर्चा किया, तो मेरा 6 लाख क्या हुआ, प्रॉफिट, बराबर। ये क्या था मेरा, फीस,
ये मेरे क्या थे एक्सपेंसेस। बट वही अगर 10 लाख मेरा फीस आया बट 12 लाख खर्चा हुआ, रेनोवेशन वगैरह में बहुत खर्चा लग गया, तो 2 लाख मेरा क्या हो गया नुकसान, लॉस। अकाउंट में कोई चीज नेगेटिव लिखना, इसको माइनस नहीं डालो, ब्रैकेट डाल देते हो इसको, ठीक है। तो 2 लाख मेरा क्या हुआ लॉस, ठीक है। तो आज अपने बेसिक टर्म्स जो ये यहाँ पे ये खत्म हो गए, सिर्फ अभी और 3-4 टर्म्स करते फिर आज अपन रुक जाएंगे। अभी मैं तुमको बेसिक टर्म से बोर नहीं करूंगा, कल से अपन कुछ सम्स ले लेंगे, ठीक है। तो आज और फिर सिर्फ कुछ टर्म्स कर लेते हैं, ये 4-5 जो टर्म्स बचे, फिर अपन सम कर लेंगे कल से। एक्सपेंडिचर मतलब ये क्या, खर्चा, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों भी सेम ही रहता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। अभी खर्चे जो जो मेरे को आएंगे, कौन से खर्चे आएंगे देखो, मेरे को क्लास के लिए मेरे को ईएमआई भरने पड़ेंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स है वो किसके, अगर मैंने क्लासरूम परचेज किया तो उसके इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ेंगे, या फिर मैंने एसी परचेज किया, टीवी परचेज किया, इन्वर्टर परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, ठीक है। वरना अगर मैं लाइट बिल भर रहा हूँ, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो स्टाफ की सैलरीज है वो भर रहा हूँ, जो मेरे टीचर की सैलरीज है वो भर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर रेंट होगा कोई क्लासरूम का तो वो देखो, अभी इससे मेरे, ये तो मेरा असेट है ना क्लासरूम, तो ये क्या हुआ कैपिटल। जो भी पैसा मैं कैपिटल असेट्स के लिए दे रहा हूँ, जो भी पैसा मैं असेट्स के लिए दे रहा हूँ वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल में, सॉरी, जो भी पैसा मैं असेट्स के लिए दे रहा हूँ वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल में। जैसे एसी, क्यों ये कैपिटल में आएगा, क्योंकि ये जो खर्चे मेरे को करने तो पड़ रहे बट इसके बेनिफिट्स काफी सालों तक आएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ही क्या, जिसके बेनिफिट्स काफी सालों के लिए आएंगे, इनकर्ड इन परचेसिंग असेट्स व्हिच विल गिव बेनिफिट फॉर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, काफी साल के लिए। क्लासरूम एक बार परचेस कर लिया ईएमआई पे, 10 साल को मिनिमम क्लासरूम जाएगा वो अच्छे से। एसी ऑफिस कैपिटल हुआ, टीवी, इन्वर्टर, लैपटॉप, ये खर्चे क्या है, मैंने आज अगर लैपटॉप बाय किया, आज पे कर दिया भले, बट उसका बेनिफिट तो काफी साल के लिए मिलेंगे। बट वही लाइट बिल देखो, एक महीने का, अगर आज मतलब जो पिछले महीने का लाइट बिल है, मे मंथ का लाइट बिल मैंने भरा, जून का भरा ही नहीं, मेरा लाइट कनेक्शन कट हो जाएगा, तो ये एक महीने का रहेगा सिर्फ। स्टाफ सैलरीज एक महीने के, टीचर की सैलरी भी एक महीने के हो सकते हैं या बैच स्पेसिफिक हो सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी, वो जो जितने बुक्स है वो, और रेंट भी एक महीने का ही रहेगा। तो ये कौन से रेवेन्यू, डे टू डे, ये डे टू डे एक्सपेंसेस है, क्योंकि इससे मेरा कोई असेट है क्या, ये मेरा लाइट बिल असेट है क्या, खर्चा है। स्टाफ सैलरी खर्चा, टीचर की सैलरी, टीचर मेरे असेट्स नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, ये सारे खर्चे, पर ये मेरे क्या है, सारे असेट्स है ना। ये क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लासरूम मतलब ही क्या, लैंड एंड बिल्डिंग होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब है क्या, दैट इज इनकर्ड इन करंट एक्टिविटीज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये गुड्स या सर्विसेज खरीदी करने के लिए अगर तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड। तो गुड्स और सर्विसेज के लिए तुम अगर कोई खर्चा कर रहे हो, डे टू डे बिजनेस के लिए कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अपन ने ये किया, जो मेरे यहाँ पे बुक्स, नोट्स, ये सारा क्या हो जाएंगे, बुक्स या नोट्स, ये भी क्या हो जाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर, ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या, लेट से मैंने बोला फीस 40,000 है और उसमें 5,000 डिस्काउंट दूंगा, तो फिर फीस कितनी पड़ी, 35, मतलब जो तुम्हारी फीस है उसमें रिडक्शन करना, प्राइस में रिडक्शन करना। कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन प्राइजेस ऑफ गुड्स, जो तुम्हारी प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसमें जब तुम अमाउंट कोई भी कम करते हो। डिस्काउंट तो इंडियंस को मालूम है, मेरे को बताने की गरज ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अगर जब तुम सेल करते हो उसमें थोड़ा सा तुमने अमाउंट माइनस कर दिया, दैट इज व्हाट डिस्काउंट, ठीक है। गेन मतलब क्या, तुम्हारा फायदा होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ये जो इंदिरा नगर का क्लासरूम है, ये मेरे डैड ने परचेज किया था काफी साल पहले 4 लाख रुपए में, और आज इसकी वैल्यू है अराउंड 42 लाख रुपीज। टुडेज वैल्यू इज 42 लाख रुपीज। खरीदी कितने में किया था, परचेज कितने में किया था, लैंड 4 लाख्स, पर आज उसकी मार्केट, अगर आज बेचा तो कितने में बेचा जाएगा, 42। तो देखो कितने का फायदा हो रहा है, 38 लाख्स का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। सो इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको गेन बोलेंगे। गेन मतलब प्रॉफिट की जैसे होता है, बट जब असेट्स अपन बेचते हैं, जब असेट्स, क्लासरूम तो असेट ही हुआ ना, तो जब असेट्स अपन क्लासरूम बेचते हैं या फिर कोई भी टाइप का असेट बेचा, तो फिर अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो क्या होगा, तुम्हारा गेन हो जाएगा, ठीक है। इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर। क्यों इरेगुलर नेचर, रोज रोज क्लास बेच सकते हैं क्या, क्योंकि इतना क्लासरूम है ही नहीं, एक ही क्लासरूम है, पर वही स्टूडेंट्स रोज रोज आ सकते हैं, बराबर। तो ये जो गेन्स रहते हैं ये रोज रोज नहीं होगा,
मतलब वंस इन लाइफ टाइम होता है, जितने तुम्हारे एसेट से उतने होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ये रेगुलर मतलब रोज रोज नहीं होगा। कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें कैश पे कैश होता है, तो तुम बोलोगे बैंक ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा। कैश ट्रांजैक्शन मतलब मेरे को कैश मिला, लेट से तुम्हारी जो मैंने फीस बोली थी 35,000 है जो तुम्हारी फीस, तुमने मेरे को कैश दे दिया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन। वरना तुमने बोला कि मैं 2 महीने बाद फीस दे दूंगा सर आपको, तो ये 2 महीना का क्या हुआ, क्रेडिट पीरियड हो गया, क्रेडिट उधारी का पीरियड हो गया। क्रेडिट मतलब जहाँ पे कैश पेमेंट या रिसीट पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब आज आने वाली या फ्यूचर में आने वाली, फ्यूचर में आगे ढकल दिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी का। तो इधर मेरे को कैश दोगे या फिर उधारी का, तुमने अगर चेक दिया तो लेट से तुमने मेरे को चेक दे दिया आज की डेट का, तो ये फिर भी क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। गधा काम मत करो कि तुम बोलोगे कि सर ये तो कैश है, मतलब ये तो यहाँ पे तो पैसा बैंक में जमा हुआ है। पैसा तो पैसा है, फिजिकल कैश में नहीं या बैंक में जमा हो कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो अगर तुमने मेरे को चेक दिया या फिर फोन पे, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे बैंक ट्रांसफर ऐसे कुछ भी किया, तो ये फिर भी क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। पर हाँ, तुमने उधारी बोला 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये क्या हुआ, उधारी का ट्रांजैक्शन। नेटवर्थ अपन अभी नहीं करेंगे। टर्नओवर मतलब क्या, सेल्स, सेल्स के टोटल, जितना तुमने कैश में सेल्स किए और जितना तुमने उधारी में सेल्स किए, वो क्या हुआ तुम्हारा टर्नओवर। और वाउचर मतलब ये क्या रहता है, एनी डॉक्यूमेंट, खर्चा या इनकम कुछ भी हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑब्जेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, अगर कोई भी खर्चा या इनकम हुआ तो कैसे रिकॉर्ड होता है, वाउचर, उसको वही डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वाउचर। ठीक है, आज काफी सारी टर्म है, फटाफट रिकैप करते फिर आज रुक जाते हैं। डेटर्स मतलब कौन, अपने को जिनसे पैसा लेना है, अपने कस्टमर्स, उधारी पे उनको कुछ बेचे थे। रिसीवेबल मतलब डेटर छोड़ के और किसी से पैसा देना है। क्रेडिटर मतलब अपने कुछ इनको पैसा देना है, उधारी पे अपन ने कुछ गुड्स खरीदे थे और उनको पैसा देना है। पेबल मतलब क्रेडिटर छोड़ के किसी को पैसा देना है। ड्रॉइंग्स मतलब जो तुमने अमाउंट बिजनेस में से निकाली पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए। रेवेन्यू मतलब क्या, तुम्हारा इनकम इधर वाइज सेल ऑफ गुड्स और एनी रेंट इनकम। ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब ही क्या, सेल्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पढ़ाई नहीं, COGSB। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा, खर्चे दो टाइप के रहते थे, एक रहता था कैपिटल और दूसरा रहता था रेवेन्यू। कैपिटल मतलब जो खर्चा तुम असेट्स के लिए करते हो, कुछ बाय कर रहे हो, तो वो कैपिटल खर्चा। रेवेन्यू खर्चा मतलब कैपिटल छोड़ के नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए। गेन मतलब जब असेट बेचते हो तो वो गेन हो गया। डिस्काउंट मतलब जब तुम सेलिंग सेल प्राइस, जो तुम्हारा प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट माइनस कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, डिडक्ट कर देते हो, तो वो तुम्हारा डिस्काउंट। कैश ट्रांजैक्शन मतलब फिजिकल कैश या फिर बैंक ट्रांसफर आ रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी का। और टर्नओवर मतलब कैश और क्रेडिट से दोनों मिला के। वाउचर मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे सेल वो इनवॉइस बिल वगैरह रहता है। जैसे देखो अभी ये कुछ हार्डवेयर का बिल है, सॉरी हार्डवेयर नहीं, ये बुक्स, बुक स्टोर का बिल है, तो ये भी क्या हुआ, एक वाउचर हो गया। ये मैंने मेंटेनेंस भरा था, ये भी वाउचर हो गया। ठीक है, तो ये इवन ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया है मेरे को, ये भी वाउचर ही हो गया। ठीक है, वाउचर मतलब क्या है, एनी डॉक्यूमेंट और जिससे प्रूफ कि कुछ पैसा देना है या नहीं। ठीक है, चलो फिर आज रुक जाते हैं।